तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है आपके सामने रियलमी 2 का, यहाँ पे वैसे तो ये है फ्लिपकार्ट का बॉक्स लेकिन इसके अंदर है रियलमी 2 और ये दो वेरिएंट में है। यहाँ पे 64 GB विथ 4 GB रैम और यहाँ पे है 32 GB विथ 3 GB रैम। तो इसे करते हैं हम अनबॉक्स और देखते हैं फ़ोन के अंदर, ये बॉक्स के अंदर हमें किस तरह का बॉक्स मिलता है जो कि रियलमी 2 का बॉक्स है। तो ये है फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग जिसे मैं अभी ब्रेक कर रहा हूँ। और तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको फ्रंट में यहाँ पे बिल मिलता है, बिल को रख देते हैं साइड, इसका कोई काम है नहीं यहाँ पे। और ये आ गया हमारे सामने फाइनल बॉक्स और इस फ्लिपकार्ट के बॉक्स को भी कर देते हैं साइड। तो और ये रहा अब यहाँ पे शायद 32 GB वेरियंट, तो इसे भी हम कर लेते हैं अनबॉक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है 32 GB वाला वेरियंट जिसकी प्राइस है लगभग लगभग नहीं 8,990 रुपये, और ये अभी 1,000 रुपये डिस्काउंट में है फ्लिपकार्ट पे। हो सकता है कि इसके 2-3 सेल के बाद इसकी जो रेट है वो वापस से 10,000 हो जाएगी, क्योंकि इसकी MRP जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं MRP जो है इसकी है लगभग 10,000 रुपये की। तो अभी ये डिस्काउंट में है, साथ में अगर आप इसे अभी नेक्स्ट सेल में परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पे 750 का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है HDFC बैंक की तरफ से, अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो तो। तो ये है रियलमी 2 का बॉक्स और ये भी है दो वेरिएंट में हमारे पास है यहाँ पे अनबॉक्सिंग के लिए। तो ये दो वेरिएंट में आप देख रहे हैं यहाँ पे रियलमी 2 का बॉक्स जो कि है 64 GB और एक है 32 GB वाला वेरिएंट। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अनबॉक्स 32 GB वाले वेरिएंट को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने है रियलमी 2 और इसे हम करते हैं अनरैप, जो कि प्लास्टिक सील है उसे हम निकाल देते हैं इसमें से। और ये रहा प्लास्टिक सील बाहर, तो अभी जो फ़ोन है वो प्लास्टिक सील से आ चुका है बाहर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है रियलमी 2, अब हम इसे निकालते हैं बाहर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ये है 32 GB वेरिएंट वाला, तो ये रहा आपके सामने 32 GB वेरिएंट। और इसके अंदर हम देख लेते हैं फिलहाल हमें क्या मिला है। अंदर में है एक बैक कवर और कुछ यूज़र मैनुअल्स, तो ये है रियलमी के कुछ यूज़र मैनुअल्स फ़ोन को स्टार्ट करने से पहले, और ये रहा बैक कवर। और बाकी अब ये जो बॉक्स है ये हो चुका है खाली, तो इसे भी हम रखते हैं साइड। और फाइनली आ जाते हैं अब बॉक्स के और अंदर प्रोडक्ट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है ये हो चुका है खाली और यहाँ पे है केबल। तो केबल में हमें कौन सा केबल यहाँ पे मिल रहा है तो ये हम देख लेते हैं यहाँ से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है केबल जो कि है वाइट कलर में, और ये जो कलर है फ़ोन का ये है डायमंड ब्लैक, और 2.0 की कनेक्टिविटी इसमें आपको मिलती है। साथ में आपको यहाँ पे चार्जर जो है वो कितने एम्पियर का मिल रहा है वो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। 2 एम्पियर का इसमें आपको आउटपुट मिल रहा है, तो ये जो है नॉर्मल चार्जिंग है। हालांकि फ़ोन जो है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है लेकिन ये चार्जर आपको जो साथ में बॉक्स में मिल रहा है वो नॉर्मल चार्जर है। तो ये रहा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो कि है रियलमी 2, और ये कुछ रैप किया हुआ है आईफोन के जैसा। फोन की सेफ्टी के लिए ये रैप, और यहाँ पे है हमारे सामने फोन। तो फोन जो है पीछे से पूरी तरह से स्लिम है, कुछ भी कर्व नहीं है, प्लेन पूरी तरह से लुक है। और यहाँ पे जैसा कि ये डायमंड कट है, यहाँ पे आप अगर इसे रिफ्लेक्ट करके देखें तो आपको इसमें डायमंड कट नज़र आएगा। कैमरा जो है वो हॉरिजॉन्टल है, साथ में यहाँ पे आप LED फ्लैश देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट जो है वो पीछे की ओर है। तो ये रहा रियलमी 2, तो ये रहा रियलमी 2 जो कि प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड के साथ आता है। और इसमें जो आपको सिम स्लॉट है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें आपको सिम स्लॉट कितने मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं सिम इजेक्टर टूल को देख लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिम इजेक्टर टूल यहाँ पे है और हम इसमें से सिम को इजेक्ट कर देते हैं। सिम स्लॉट देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिला है। तो ये रहा आपके सामने सिम ट्रे जो कि इसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 नैनो और 1 माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें मिलता है। तो अब हम फोन को कर लेते हैं फर्स्ट टाइम के लिए बूट। उससे पहले हम कर लेते हैं अनबॉक्सिंग 64 GB वेरियंट वाले को। सिम ट्रे जो है वो काफी लंबा है क्योंकि इसमें आपको 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD की सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल रही है। और फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ कि ये नॉच डिस्प्ले फ़ोन है जो कि सबसे सस्ता फ़ोन है इंडिया में नॉच डिस्प्ले के साथ। 9,000 में आप नॉच डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन को आप परचेस कर सकते हैं। तो ये तो रहा 32 GB वेरिएंट वाला फ़ोन, और अब हम देख लेते हैं 64 GB वाले वेरिएंट फ़ोन को। तो ये रहा यहाँ पे और ये है हमारे सामने 64 GB।
इसमें आपको एक ही चीज एक्स्ट्रा मिल रहा है जो कि है 64 GB वेरिएंट विथ 4 GB रैम, चार्जर सेम एम्पियर के साथ, और यहाँ पे फिर से ये फोन जो है वो रैप किया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने दो रियलमी टू, एक 64 GB वाला वेरिएंट और एक 32 GB वाला वेरिएंट। तो अब हम दोनों को सेम टाइम पे बूट करके देखते हैं कि कौन सबसे पहले स्टार्ट होता है, क्योंकि एक 3 GB रैम के साथ है और एक 4 GB रैम के साथ है। तो फर्स्ट टाइम के लिए इसे हम करते हैं बूट एक साथ। तो ये रहा पावर बटन और मैं दोनों को एक साथ प्रेस करने वाला हूँ, 1 2 3। दोनों पे सेम टाइम में वाइब्रेशन हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बूट लोगो आ चुका है। तो ये रहा बूट एनिमेशन रियलमी का, और कौन सबसे पहले स्टार्ट होता है यहाँ पे ये देखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही फोन सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ है। इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे सेटअप कर लेता हूँ जल्दी से, और ये आप वीडियो आप देखेंगे फास्ट फॉरवर्ड में। तो जैसे कि देख सकते हैं फोन जो है वो वाकई में फास्ट बूटअप और फास्ट सेटअप भी हुआ है, और फोन जो है अब अपने मेन स्क्रीन पे आ चुका है। दोनों ही फोन का जो मेन्यू है वो लोड हो चुका है और अभी इसमें सिम या SD कार्ड कुछ भी नहीं है। तो ये रहा आपके सामने फोन जो कि नॉच डिस्प्ले के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 GB वेरिएंट और यहाँ पे 64 GB वेरिएंट। और ये जो फोन है देखने में खूबसूरत है, प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड के साथ ये फोन आ रहा है, और जैसे कि आप देख सकते हैं बैक में जो है आपको डायमंड कट का यहाँ पे साइन मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री कवर है जो कि आपको बॉक्स के साथ में मिलता है, और यहाँ पे ये भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है 1+6 का बैक कवर है जो कि पहले से ही उस कलर में आता है जो फोन गंदे होने के बाद आमतौर पे इस कलर में आ जाते हैं। तो ये जो है ट्रांसपेरेंट कलर है बिल्कुल ही, और यहाँ पे हम इस कवर को लगाते हैं और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि इसकी जो लुक है वो कवर लगने के बाद कैसी आती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं थिकनेस जो कवर की है वो कुछ ज्यादा ही है, और ये जो है कवर लग चुका है, फोन कवर लगने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है फिंगरप्रिंट। तो ये था Realme 2। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम सेटिंग्स में आ चुके हैं और यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं अबाउट फोन में। अबाउट फोन में आपको क्या मिलता है? तो अबाउट फोन में मिल रहा है आपको Android 8.1.0 की जो कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 GB रैम है। तो ये थी सेटिंग्स के बारे में कुछ अपडेट्स, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ फर्स्ट इम्प्रेशन कैमरे का। तो यहाँ पे जो कैमरा है उसकी क्वालिटी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम स्विच करते हैं बैक कैमरा को और यहाँ पे हम एक क्लिक कर लेते हैं पिक्चर को। तो आप लोगों को मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसके कैमरे की क्वालिटी क्या है, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से ब्राइटनेस जो है अभी पूरी तरह से हाई है इस फोन में, और ये रहा कैमरे का क्वालिटी। तो कैमरा जो है रियर का वो काफ़ी अच्छा है, और फ्रंट का कैमरा भी मैंने अभी चेक किया है, इसमें ब्यूटी प्लस ब्यूटी मोड आपको कुछ ज़्यादा ही मिलता है। ये रहा रियलमी 2 के एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के बारे में और कैमरा के रिव्यू के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो आपको UI मिलता है वो कलर OS मिल रहा है 5.1, और यहाँ से जो आपको UI है वो कुछ इस तरह का मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है UI। तो आइकन्स जो है वो थोड़े से बड़े लग रहे हैं इसमें, लेकिन फोन जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जो आपको रिजोल्यूशन जो मिलता है स्क्रीन का रिजोल्यूशन वो है HD+ का, और यहाँ पे आपको 1520x720 का रिजोल्यूशन मिल रहा है जो कि इस प्राइस रेंज में एक्सेप्टेबल है। अगर ये फुल HD+ होता तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से और नॉच डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल रहा है जो कि सबसे कम प्राइस में अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो ये फोन एक्सेप्टेबल है। आप डेफिनेटली इस फोन के साथ जा सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। तो ये था इसका अनबॉक्सिंग वीडियो। तो ये था अनबॉक्सिंग वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसमें पबजी टेस्ट। तो पबजी जो है कितने हाई ग्राफिक्स को सपोर्ट करती है, Ultra HD, HDR या किस में ये चलती है वो हम टेस्ट करेंगे, और कितनी डिवाइस जो है हीट होती है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्नोलॉजी ट्विस्ट।